नमो सिद्धाणम नमो आयीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहूणम। बोलो पंच परमेष्टमी भगवान की, उन देवादेवश्री आदिनाथ भगवान की, उन देवादेवश्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरु भाई सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, मोहन बाबू सम्य दर्शन के यहाँ विषय चल रहा है। सम्य दर्शन दो प्रकार का, जिसमें कल अपन ने चर्चा के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया, निसर्गगत और अधिगमन। जो पूर्व से सम्य दर्शन हमारे साथ में है वो हमारा कौन सा है? निसर्गर्ज है। और किसी के उपदेश के माध्यम से, ठीक है, अन्य निमित्तों के माध्यम से सम्यक्त को ग्रहण करना, ये कौन सा है? अधिगमन है। तो कल आपने चर्चा सुना, उदाहरण भी हमने दिया कि जब किसी महान आत्मा का, तीर्थंकर भगवंत का कल्याणक होता है और उस समय तीनों लोकों में एक समय के लिए जो शांति का अनुभव होता है, कितने समय के लिए? एक समय। कहाँ होता है? तीनों लोकों में। और तीनों लोकों में जहाँ जहाँ जीवात्मा है, जिस अवस्था में है, यहाँ तक निगोदी भी, निगोद में रहने वाली राशि, जीव राशि, उस जीव राशि को भी शांति का अनुभव होता है। और वहाँ उस जीव राशि को शांति के और उसके जो कर्म का जो बंद होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? शुभ का होता है, ठीक है। एक समय का शुभ परिणामों में, एक समय में जो उसको शांति का अनुभव होता है, उस समय उसका आयु का बंद, ठीक है, गति का बन जो भी हो, वहाँ से वह जीव निकल कर के यात्रा के लिए निकलता है, ठीक। और वहाँ से क्या विचारधारा लेकर निकलता है कि मुझे अब संसार में नहीं घूमना है। योगी जी, निगोद से यात्रा प्रारंभ करता है कहाँ के लिए? मोक्ष के लिए। हाँ, अपन जब सिगर जी जाते हैं ना, कुछ मन चले होते हैं,
है, जो कि स्टेशन की हवा लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि गाड़ियां बदलते रहते हैं, कभी ये गाड़ी, कभी वो गाड़ी, कभी वो गाड़ी। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से बैठो, अब सीट सिकर जी के स्टेशन पे ही खाली होगी। क्यों भैया जी? हाँ, सभी तरह की जीव, जो 923 जीव, हाँ वो कौन से थे, वो कौन से थे कि जब तक सिकर जी का स्टेशन नहीं आया, जब तक उन्होंने वो सीट को नहीं छोड़ा। भैया जी समझ में आया? मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं घूमने का मन ही नहीं करता था, समझ में आया? सही पूछा जाए, उस समय, अब तो बहुत बड़ा फिरोजाबाद हो गया है, गलियां भी बहुत हो गई, चौड़ी चौड़ी हो गई हैं, अब पहचान में नहीं आता, पर उस समय छोटा सा फिरोजाबाद था। योगेश जी, हाँ, और सही पूछा जाए, आप कहते होंगे महाराज जी क्या बात करते हैं, हाँ, जिस मोहल्ले में हम रहते थे उस मोहल्ले की 9 गलियां थी, ठीक है, उस 9 गलियों में भी मात्र हमने 2-3 गली ही देखी पूरी जिंदगी में। कैसे? अब कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें किसी को लेना देना नहीं, परंतु तो आपसे पूछा जाए, आप जहाँ दिल्ली में रहते हैं, मतलब दिल्ली में नहीं, दिल्ली के अब लगा ही है, पर आपसे पूछा जाए तो आप जो हैं दिल्ली के कोने कोने की गलियां आपकी नज़र में होगी। क्यों भैया जी? नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मोबाइल में देख लो, खोलो ऐप, खोलो, यहाँ से कितने किलोमीटर है, कितनी दूरी पर है, कौन सा मकान है, कौन सा मकान नंबर है, कौन सा व्यक्ति यहाँ रहता है, कौन सा मंदिर बना हुआ है, हाँ, कौन सा लुटेरा है, कौन सा सही है। क्यों मुझे नहीं मिलेगा? विचार करना। और तो छोड़ो, जिस गली में हम रहते थे हम पड़ोसी के व्यक्ति का नाम भी नहीं जानते थे, पूरा समय निकल गया। हम क्यों तेरा नाम लें? और तेरे नाम से हमें क्या मिलेगा? देख लेना, पूरे चतुर्मास में बस 2-3 नाम मेरे नजर में आएंगे। मांगी के चेहरे से ठीक है, हा, जो रोज रोज आ रहे हैं उनको देख लूंगा, परंतु तो आप जी कहो कि मैं सभी के चेहरा पहचान भी लूं, मैं पहचान, वो क्या करना भाई पहचानने से? मैं तुम्हारे चेहरे को पहचानूंगा, तुम्हारे नामों को याद करूंगा, तो मेरा क्या फायदा होगा? मेरा नुकसान ही होगा। और आप मेरे नाम की माला जपेंगे और मेरे क्या चेहरे को बराबर निहारेंगे तो आपका पुण्य का आश्रय होगा। हा? क्यों योगी जी? हा? मुझे क्या लेना? देखो, जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी,
और मैं आपको बता दूँ, इतना मैं भूलने वाला था, आज भी भूल जाता हूँ, पर किसी ने कुछ कह दिया वो नहीं भूलता। हाँ, फिर ही भूलता, पे जैसा कहा है वैसा ही निकलेगा। परंतु मैंने कोई चीज कहीं रख दी है, ठीक है, और मेरे से वही चीज अगर मंगाई जाती थी तो मुझे पता नहीं कहाँ रखी है। तो उसकी डांट भी पड़ती थी, हाँ, कि तू ही रख के आया, तुझे पता नहीं है, अब जाकर के एलवरी में देख रहे कहाँ कहाँ का चीज रख दी है। अब समझी, तो मैं तो ये कहता हूं, चिंतन करता हूं कि हो सकता है, हाँ, जैसे 923 जीव निकल के आए, उनको कुछ पता नहीं था मुझे क्या करना है, क्यों भैया जी, हो सकता उसी कैटेगरी का ये जीव हो, क्यों भैया जी, परंतु जब तक ये स्थिति नहीं बनेगी, जब तक हम अपने उस एकत्व भावना को नहीं पकड़ सकते हैं, हाँ, एकत्व भावना को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार की जो चर्चा है, उनको तो हमें विराम देना। मैं सोचता हूं, मैं इसलिए नहीं बोलता, मैं सही बता दूं, कल दोपहर में एक महिला आई थी, दो महिलाएं आई थी, यहाँ की नहीं थी, बाहर की थी, यहाँ की तो मैं बताऊंगा नहीं, हाँ, सूर्यनगर की चंबल में बताऊंगा, हाँ, तो बाहर की आई थी, उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज जी, मैंने हाँ, जब प्राण निकलता है, भगवान जी, जब आत्मा निकलती है, तो नाभि के पास में जो प्राण होते पहले वो हिलते कि कहाँ के हिलते हैं, मेरी तो अभी प्राण निकले ही नहीं, मैं कैसे बताऊं, हाँ, मैं भैया ये तो भैया बहुत जटिल चीज है, इसके बारे में तो सूरत सागर जी आया तो वो ही बता पाएंगे, क्यों वही दूसरे अपने तो प्राण निकालते नहीं है पर दूसरे के प्राणों को हिला देते हैं, हाँ, वही बताएंगे। फिर उन्होंने और भी प्रश्न चालू कर दिए, फिर उसके बाद भी एक और, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, बराबर करते ही चले जाए। मैं समझ गया, मैंने कहा बुंदेलखंड की हो क्या, हाउ, कहा के हो, बुंदेलखंड के हो क्या, क्या हाउ, मैंने इसलिए तुम्हारे पास जो है प्रश्नों की क्या लाइन लगी है पूछने की, कि हमें ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना है, वहीं से लिस्ट बना के आई होंगी, परीक्षा ले रही हो, भैया जी समझ में आया, अरे हमें साधु के पास ये देखना चाहिए कि हमें साधु से क्या चीज मिलेगी, क्यों भैया जी, हाँ, क्या चीज मिलेगी, अरे भगवान के पास पूछने की आवश्यकता नहीं, साधु के पास पूछने की आवश्यकता नहीं, साधु की छवि, भगवान की छवि को देख करके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, नहीं मिलता क्या, हाँ, और जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं उनको कुछ भी, और मैंने कहा बुंदेलखंड से आए, उन्होंने नमोस्तु किया, महाराज चल रहे, धन्य है, मात्र दो मिनट बैठी होगी, और दो मिनट में उसने कम से कम 10 प्रश्न पूछे होंगे,
भैया जी फटाफट फटाफट फटाफट। तो कहने का तात्पर्य जी है, हमको अगर कुछ लेना है ठीक है, मांगने से नहीं, समझा। गुरु तुम्हारा है, भगवान तुम्हारा है, तो भिखारी मत बनो। हाँ, सीधी तिजोरी में हाथ डालो और निकाल लो, चाबी भी तुम्हारे पास है। क्यों भैया जी, नहीं है क्या? चाबी भी तुम्हारे पास है, तिजोरी का भी पूरा का पूरा अधिकार तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं है। अरे भैया, मांगने की आवश्यकता नहीं है, जितना चाहिए उतना निकाल लो, पर निकालने के बाद में प्रयोग में उतना ही निकालना, जितना प्रयोग में ले सको, ज़्यादा मत निकालना है। और उसे निकाल करके प्रयोग भी ऐसा करना कि उससे बढ़ोतरी हो, क्या हो, घाटा ना हो, तो तुम्हारी जो है हा? बहादुरी है। और कल अपन चलेंगे कौन सा, अधिगमस, ये विषय बहुत अच्छा रहेगा ठीक है। और वो विषय होगा कि हम सम्य दर्शन को कैसे प्राप्त करें ठीक है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि ऐसे भगवान महावीर स्वामी की महाराज जी मैंने, हाँ, जब प्राण निकलता है भगवान जी, जब आत्मा निकलती है तो नाभि के पास में जो प्राण होते पहले वो हिलते हैं कि कहाँ के हिलते हैं। मेरी तो अभी प्राण निकले ही नहीं, मैं कैसे बताऊँ। हाँ मैं भैया, ये तो भैया बहुत जटिल चीज है, इसके बारे में तो सूरत सागर जी आया तो वही बता पाएंगे, क्यों वही दूसरे अपने तो प्राण निकालते नहीं है पर दूसरे के प्राणों को हिला देते हैं। हाँ वही बताएंगे। फिर उन्होंने और भी प्रश्न चालू कर दिए, फिर उसके बाद भी एक और, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, बराबर करते ही चले जाए। मैं समझ गया, मैंने कहा आप बुंदेलखंड की हो क्या? हाउ कहा के हो? बुंदेलखंड के हो क्या? क्या हाउ? मैंने इसलिए तुम्हारे पास जो है प्रश्नों की क्या लाइन लगी है पूछने की, कि हमें ये पूछना ये पूछना ये पूछना है, वहीं से लिस्ट बना के आई होंगी, परीक्षा ले रही हो या जी, समझ में आया? अरे हमें साधु के पास ये देखना चाहिए कि हमें साधु से क्या चीज मिलेगी, क्यों भैया जी? हाँ क्या चीज मिलेगी? अरे भगवान के पास पूछने की आवश्यकता नहीं, साधु के पास पूछने की आवश्यकता नहीं, साधु की छवि भगवान की छवि को देख करके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, नहीं मिलता क्या? हा? और जो परीक्षा लेने के लिए आते हैं उनको कुछ भी, और मैंने कहा बुंदेलखंड से आए, उन्होंने नमोस्तु किया, महाराज चल रहे धन्य है, मात्र दो मिनट बैठी होगी, और दो मिनट में उसने कम से कम 10% पूछे होंगे। भैया जी फटाफट फटाफट फटाफट। तो कहने का तात्पर्य जी है, हमको अगर कुछ लेना है ठीक है, मांगने से नहीं, समझा। गुरु तुम्हारा है, भगवान तुम्हारा है, तो भिखारी मत बनो। हाँ, सीधी तिजोरी में हाथ डालो और निकाल लो, चाबी भी तुम्हारे पास है। क्यों भैया जी, नहीं है क्या? चाबी भी तुम्हारे पास है, तिजोरी का भी पूरा का पूरा अधिकार तुम्हारे पास है, दूसरे के पास नहीं है।
अरे भैया मांगने की आवश्यकता नहीं है, जितना चाहिए उतना निकाल लो, पर निकालने के बाद में प्रयोग में उतना ही निकालना जितना प्रयोग में ले सको, ज़्यादा मत निकालना है। और उसे निकाल करके प्रयोग भी ऐसा करना कि उससे बढ़ोतरी हो, क्या हो, घाटा ना हो, तो तुम्हारी जो है हा? बहादुरी है। और कल अपन चलेंगे कौन सा अधिगमस, ये विषय बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वो विषय होगा कि हम सम्य दर्शन को कैसे प्राप्त करें, ठीक है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि ऐसे भगवान महावीर स्वामी की उपदेश देकर ये नहीं बताती कि आप ऐसा करो, लेकिन जो हमारे मुनिराज हैं ये प्रेरक निमित्त हैं, एक्टिव निमित्त हैं, ये हमें मार्ग बताने वाले हैं, यही हमें सम्यक दर्शन का कैसे संसार से पार उतरने का कारण है वो बताते हैं। ऐसे मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु, जिनवानी स्तुति।